For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. छोटे पर्दे को सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्यार मिलता है, ये हम सब जानते हैं। छोटे पर्दे के सारे शोज विदेशों के व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आते हैं, इसलिए इन शोज को मिलती है बहुत तगड़ी वाली टीआरपी। लेकिन इस छोटे पर्दे ने बड़ा धमाका तब किया था जब इसने लॉन्च किया था स्टार प्लस पर एक स्पिन ऑफ शो, इश्कबाज का स्पिन ऑफ दिल बोले ओबरॉय। इस आइडिया ने हर किसी को हैरान कर दिया था, लेकिन व्यूअर काफी खुश थे क्योंकि कुछ नया उन्हें देखने को मिल रहा था। दिल बोले ओबरॉय लॉन्च हुआ और ये बन गया सबका फोकस पॉइंट। इसमें दिखाई गई थी दो भाइयों की प्यारी सी स्वीट सी लव स्टोरी। वो दो भाई जिनकी लव स्टोरी को इश्कबाज में नहीं मिल पा रही थी अच्छी सी जगह, यानी कि रुद्र अकालीनेश मट्टू और ओंकारा अक्का कुणाल जैसे। इन दोनों की लव स्टोरी को शो में जब आगे बढ़ाया गया तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। टीआरपी चार्ट पर जब इसकी जगह चेक की गई तो हर कोई खुश हो गया क्योंकि 14th प्लेस पर था ये प्यारा सा शो। स्टार कास्ट और क्रू मेंबर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इसका ये रिस्पॉन्स देखकर। लेकिन टाइम आगे बढ़ा और दर्शकों ने मेकर्स के सामने रख दी अपनी डिमांड। दर्शक चाहते थे कि शो हो जाए एक घंटे का और एक साथ दिखाया जाए इश्कबाज में ही तीन भाइयों का रोमांस। कुछ ऐसा ही हुआ, दर्शकों की मांग मान ली गई और फिर एक साथ दिखाया जाने लग गया इश्कबाज। बट एक बड़ा धमाका फिर से हुआ जब बालाजी टेलीफिल्म्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी अनाउंस करेंगे कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य को लेकर हमने कई अच्छे अच्छे प्रमोज देखे। कहानी की थोड़ी सी डिटेल आउट हुई जिसमें ये पता चला कि प्रज्ञा की दो नई बहनें दिखाई जाएंगी जिनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी कुंडली भाग्य में। वैसे इश्कबाज को सिर्फ एक साल भी पूरा नहीं हुआ था और उसका स्पिन ऑफ डिक्लेयर किया गया, लेकिन कुमकुम भाग्य बीते 3 सालों से धमाल मचा रहा था और अपने बेस की वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेस पर स्थापित भी था। कुमकुम भाग्य के स्पिन ऑफ को लेकिन जो टीआरपी मिली वो इश्कबाज से काफी ऊपर थी। जी हाँ, कुमकुम भाग्य के स्पिन ऑफ के लिए हमने देखा कि टीआरपी पर इसने 4th प्लेस हासिल किया, वो भी 2.3 रैंकिंग के साथ, जो कि काफी फैबुलस था। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी सक्सेस वो भी रूरल और अर्बन मार्केट में से इसलिए मिली है क्योंकि दर्शक बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे कुमकुम भाग्य की बोरिंग स्क्रिप्ट से। स्टोरी लाइन अब दर्शकों को पसंद नहीं आती थी और इसके साथ ही कुंडली भाग्य में प्रज्ञा की दो बहनों की लव स्टोरी वो भी हॉट और हैंडसम से लड़कों के साथ दिखाई जानी है तो दर्शकों में आ गया थोड़ा सा इंटरेस्ट। वेल, आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा वाला स्पिन ऑफ आया ज्यादा पसंद, डीबीओ या फिर कुंडली भाग्य। टॉप न्यूज की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।